अरे मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा Facebook पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जून का महीना कैसा रहेगा, आपके लिए क्या गोल सेट करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए और कौन सा टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पिछले एपिसोडों में मैंने 8 राशियों की जानकारी दी। सबसे पहले एपिसोड में बताया था 4 राशि बहुत खराब, फिर दूसरे एपिसोड में बताया 4 राशि उससे ज़्यादा अच्छी, और आज के एपिसोड वाले खुश हो जाओ, आज ये 4 राशियाँ काफ़ी आपके लिए लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ये 4 राशि जून के लिए बहुत भाग्यशाली, पूरा वीडियो देखिए एंड तक, चारों राशियों की जानकारी आज आपको मैं दूंगा और उपाय भी साथ में बताऊंगा। जानकारी दूं उससे पहले आपको पूरे महीने का विश्लेषण कर दूं, कौन कौन से ग्रह कब चेंज होंगे। 7 जून को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, वो दुश्मन की राशि से हट करके चेंज हो जाएंगे अपने मित्र के घर में, अच्छा फल करेंगे और वहां बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। 8 दिन बड़े सुपर आपके लिए जबरदस्त। उसके बाद में 15 जून को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वो शत्रु राशि से हटके सम की राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में, वो वहां भी अच्छा फल करेंगे। फिर 20 जून को बुध अस्त हो जाएंगे ब्लाइंड, और 30 जून को सूर्य की मंगल की नीचता समाप्त हो जाएगी और मंगल शुक्र की युति जो है टूट जाएगी। यह है गोचरीय स्थिति। अब मैं शुरुआत करूंगा मेष राशि से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 2 जून को होटल राजश्री चंडीगढ़ Phase 1 ट्रिब्यून चौक के पास मैं रहने वाला हूं। वास्तु विजिट, कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। जो नंबर स्क्रॉल पर चल रहा है वो मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ में जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं सबको बोलता ही हूँ, और लोगों को भी रिकमेंड करें। मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर चंद्र रावत, आप उसको भी फॉलो करिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल महीने के अंत में बहुत ज़बरदस्त फल देगा। वैसे तो उसकी जो स्थिति है वो पॉजिटिव है, ऐसे बुरा नहीं कह सकते उसको, क्योंकि मेष के अंदर लग्नेश नीच हुआ है और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। मंगल शुक्र चौथे भाव के अंदर लग्जरियस चीज़ें, सुख साधन की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, हाउस होल्ड आइटम, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएगा। जो आयु कमज़ोर कर रहा था वो आयु को इतना कमज़ोर नहीं करेगा। ये 3 प्रकार से नीच होता है, बीच बीच में नीच भंग राजयोग भी बनेगा। अब चंद्रमा 1 तारीख को तो केंद्र में ही है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, फिर 5 दिन बाद फिर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, फिर 5 दिन बाद नीच भंग राजयोग बन जाएगा। ऐसे नीच भंग राजयोग तो बनते रहेंगे उसके, लेकिन पूर्ण रूप से तब बनता है जब परमानेंट चंद्रमा तो गोचर में चलता रहता है, या कोई बड़ा प्लैनेट लंबे समय तक चलता है, शनिदेव वहां से अष्टम है तो वो तो नीच भंग नहीं बनाएगा इनका। उच्च होते हैं शनि की राशि में या चंद्रमा इनको देखे तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा, या मंगल जिस राशि में नीच होता है वो केंद्र में आ जाए तो चंद्रमा की बात आ गई, चंद्रमा साथ बैठा हो तब भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो ये सिचुएशंस में राजयोग तो बनेगा, इसलिए बहुत बुरा मैंने नहीं कहा इसको। आपकी राशि में सबसे बड़ी बात है 1 हफ्ते के लिए और 7 जून तक गुरु और बुध दोनों मजबूत अवस्था में, क्यों, उनको दिशा बल प्राप्त है। 7 जून को चेंज हो जाएंगे, बुध आदित्य राजयोग बनेगा धन भाव पर, तो धन के लिए बेटर है, लेकिन बुध से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहाँ आपकी स्थिति पॉजिटिव है। शनि 11 भाव में बलवान होते हैं, लाभ देते हैं, अच्छा है आपके लिए, तो यहाँ मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। अगली कर्क राशि की बात करेंगे।
कर्क राशि में नीच का मंगल ज़्यादा बुरा नहीं करता। यहाँ पर शुक्र साथ है, सुख साधन का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, ये भी अच्छा है। दशम भाव के अंदर गुरु की और बुद्ध की स्थिति है, ये दोनों अच्छा फल करते हैं। शनि आपकी आयु वृद्धि के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ अगर आपका होटल व्यवसाय, आपका कंस्ट्रक्शन का है, डेकोरेशन का है, इंटीरियर डेकोरेशन है, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, या फोटोग्राफी का, या एक्टिंग, या आपकी वीडियो एडिटिंग, या इस तरह के जो क्रिएटिव काम है आपके, उनमें आपको काफ़ी सफलता मिलने का योग बनेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। अब बात करेंगे हम अगली राशि, वह तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, केंद्र में बैठा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो क्रिएटिव फील्ड में भारी सफलता, फैशन के फील्ड में भारी सफलता, ज्वेलरी के फील्ड में भारी सफलता, होटल लाइन के अंदर भी भारी सफलता। और होटल लाइन में तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस समय छुट्टियां चल रही हैं, सब लोग घूम रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में भारी सफलता, और आप एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है आपका, उसमें भी भारी सफलता मिलने का योग आपको बनता है। यहाँ शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, एजुकेशन वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अपनी तैयारी करें, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मेडिकल के फील्ड में सफलता मिलने का योग बनता है। आपका बुध और गुरु विवाह स्थान पर है, वैवाहिक जीवन अच्छा होने का योग बनेगा, पॉजिटिविटी आएगी। अगली राशि है हमारे पास में मकर। मकर राशि का स्वामी शनि धन भाव पर विराजमान है, धीरे धीरे आएगा पैसा, आएगा जरूर। यहाँ पर योग कारक होता है शुक्र, सबसे बेस्ट, यानी आपका एजुकेशन और आपका कैरियर शुक्र के पास है, पत्नी के घर में बैठा हुआ है। लव मैरिज के योग यहाँ पर बनेंगे, लव मैरिज सक्सेस हो ना हो उसके लिए कुंडली मिलानी पड़ेगी आपको, लेकिन लव मैरिज कर सकते हैं। यहाँ भविष्य में बुद्धादित्य राजयोग भी बनेगा, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव है, अच्छा रहेगा थोड़ा। तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर बनता है, शुक्र बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको एक ओपल पहन के रखना चाहिए, इससे काफ़ी ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। आप पन्ना भी पहन सकते हैं, इससे भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, और जो नीलम पहनना चाहते हैं नीलम भी पहन सकते हैं। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि ये चार राशियाँ मेष, कर्क, तुला और मकर राशियाँ, इन राशियों पर पॉजिटिव इफेक्ट है, ये नंबर वन पर रहेंगी। नंबर टू पर 2, 5, 8, 11 ये नंबर टू पर हैं, और नंबर थर्ड पर 3, 6, 9 और 12 ये राशियाँ हैं। 3, 6, 9, 12 उनको थोड़ी तकलीफ, उथल पुथल हो सकती है, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने आपको टाइमिंग्स दी, तो जहाँ पर मैंने टाइमिंग दी है उन टाइमिंग का ध्यान करना है। 2, 5, 8, 11 वालों के लिए तो ये 8 दिन बड़े ज़बरदस्त हैं, और जो मैंने 1, 4, 7, 10 राशियाँ बसाई हैं इनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, ये भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, 2 जून को मैं चंडीगढ़ होटल राजश्री में हूं, और 7 जून से लेकर के 10 जून तक मैं बंबई में रहूंगा, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे आपसे लेता हूं, नमस्कार, और मैं अपना पता भी आपको देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको इसी नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फ़ोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-860090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।